नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने वाला हूं, आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कुछ वोकैब के बारे में। वर्ड होते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एक वर्ड से खूब सारे वर्ड अपन बनाते हैं। आज मैं ले रहा हूं एक्रो। एक्रो जो वर्ड है वो लैटिन फॉर्म है, हमारी जो ग्रीक वर्ड है लैटिन फॉर्म है AKRO, एक्रो, जिसका मीनिंग है हाइट या अपर या एक्सट्रीम या अपर मोस्ट। तो जैसे एक्रोपोलिस, एक्रो माने ऊंचा, पोलिस माने शहर, यानी एक ऐसा शहर, एक ऐसा स्थान जो कि ऊंचाई पे बना हुआ हो। एक्रोबैट, बैट माने चलना, टू वॉक, एक्रोबैट माने ऊंचाई पे चलने वाला, रस्सी पे चलने वाला। एक्रो ऊंचा, फोबिया, फोबिया माने एक्सट्रीम फियर, अनयूजुअल फियर, तो अनयूजुअल फियर, एक्सट्रीम फियर, एक्रोफोबिया माने ऊंचाई का डर। तो उसी प्रकार से एक वर्ड हमारे पास है एक्रोनाइम, एक्रो अपर मोस्ट, एक्सट्रीम यानी फर्स्ट, बड़ा, रैम। अब ये वो वर्ड्स हैं, एक्रोनाइम्स का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो किसी पार्ट में से निकलकर आपको फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लगा के या फर्स्ट वर्ड को यूज करके एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब है रैम, RAM, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन यानी लेजर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी OPEC। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है कि बहुत सारे वर्ड फ्रेजेस में से मिलके जब हम किसी एक वर्ड को बनाते हैं, उसके किसी फर्स्ट वर्ड के, फर्स्ट वर्ड को किसी फ्रेज के, किसी वर्ड के अपन वर्ड को इकट्ठा करते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं, तो हम उसे एक्रोनाइम कहते हैं। तो क्या CD/DVD भी, यूनेस्को भी या USA भी एक्रोनाइम है? नहीं, इन्हें बोलेंगे इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म माने किसी वर्ड फ्रेज के अंदर आने वाले वर्ड्स के पहले पहले लेटर को अगर उठाया जाए और उसको एक नया रूप दिया जाए तो हम उसको इनिशियलिज्म कहेंगे। जैसे CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, डिस्क की स्पेलिंग में DISK और DISC दोनों होते हैं। तो CD और DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि रैम, लेजर या OPEC को हम एक वर्ड के रूप में यूज कर पाते हैं, हम एक वर्ड फॉर्म में यूज कर पा रहे हैं, लेकिन इसको बोलते समय हमको यूं बोलना पड़ रहा है CD/DVD, जब इसको बोलना पड़ रहा है रैम, लेजर, OPEC। अगर हम किसी वर्ड फ्रेज के फर्स्ट लेटर्स का एक समूह बनाते हैं और उसे एक वर्ड बना के यूज कर रहे हैं, जैसे यूनेस्को, तो हम उसे एक्रोनाइम कह रहे हैं। और अगर हम उसे सिर्फ एक इनिशियल लेटर के रूप में यूज कर रहे हैं तो हम उसे सिर्फ इनिशियलिज्म कह रहे हैं, हम उसे एक्रोनाइम नहीं कह रहे हैं। जैसे CD का बना कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इस सीरीज में हमारे पास जो सेकंड वर्ड आता है वो वर्ड है हमारे पास एनेग्राम। एनेग्राम, तो एनेग्राम का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग लेटर्स। किसी भी शब्द के लेटर्स को उल्टा सीधा करके, उनके शब्दों को घुमाकर जब कोई नया वर्ड बनता है तो हम उसे एनेग्राम कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग लेटर्स। जैसे सिनेमा, CINEMA, CINEMA, आइसमैन, सिनेमा। TEEM, ऊर्जा, TEEM, मीट। MEET, MEAT, MEAT, TEAM। अगर किसी वर्ड के लेटर्स को उल्टा सीधा करके एक नया वर्ड बनाया जाता है तो हम उसे एनेग्राम कहते हैं। लेकिन
अगर इस उल्टे सीधे करने में अगर उस वर्ड का अपोजिट वर्ड बन जाए तो हम उसे एंटीग्राम कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स स्पेशली अपोजिट इन मीनिंग बाय रीअरेंजिंग लेटर्स. लेटर्स को रीअरेंज करते समय अगर अपोजिट मीनिंग सामने आ जाए तो हम उसे एंटीग्राम कहेंगे. जैसे रेस्टफुल आरामदायक, दूसरा वर्ड बना इसका फ्लस्टर मतलब अनिच्छापूर्ण, उलझनपूर्ण, असमंजसतापूर्ण मतलब उदास होना, दुखी होना. तो ये आर ई एस टी एफ यू एल रेस्टफुल या फिर फ्लस्टर. एंटागोनिस्ट विरोधी, नॉट अगेंस्ट यानी कि विरोधी नहीं होना. डिप्लोमेसी मैट पॉलिसी, डिप्लोमेसी माने एक ऐसी पॉलिसी जो सबके ऊपर लागू होती है, मैट पॉलिसी जो कि किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकती. सो दीज आर द वर्ड्स. तो सो इन नटशेल फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग लेटर्स इज कॉल्ड एनाग्राम, जबकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स स्पेशली अपोजिट इन मीनिंग बाय अरेंजिंग लेटर्स इज कॉल्ड एंटीग्राम. तो उम्मीद है आपको आज मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी. अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग जानकारी टाइम टू टाइम मैं आपको उपलब्ध करा सकूं. ओके, थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए रोचक वर्ड्स के साथ.